सुप्रभात एवं जय हिंद बच्चों, मैं अभिषेक शुक्ला। बच्चों, आज की इस कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे मनुष्यता कविता। मनुष्यता कविता की हम लोग पूरी व्याख्या इस कविता में देखेंगे। कक्षा दसवीं की पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग दो कोर्स ब की पाठ्यपुस्तक है, उसमें यह दी हुई है कविता। तो इसकी हम पूरी व्याख्या यहाँ पर देखेंगे। कक्षा दस के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो अधिक समय न लेते हुए हम व्याख्या शुरू करते हैं। आइए देखिए, विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से, डरो कभी मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी, कोई न हो स्मृति तो वृथा मरे, वृथा जिए मरा नहीं वहीं कि जो जिया न आपके लिए, वहीं पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वहीं मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इसमें देखिए, विचार लो कि मरते, मरते मतलब मरणशील। यहाँ पर जो मथेश्वर गुप्त जी हैं वो कहते हैं कि हे मनुष्यों, आप ये जान लो, ये विचार कर लो, ये समझ लो कि मरते हो, यह जो जीवन है यह मरणशील है, इसलिए मृत्यु से न डरते हुए मरो, लेकिन इस तरीके से मरो कि मरने के बाद भी लोग आपको याद करें। अहुई ने हो स्मृति तो वृथा मरे, वृथा जी, अगर इस तरह की मृत्यु नहीं होती, सु मतलब अच्छी मृत्यु, मतलब अगर इस तरह की अच्छी मृत्यु नहीं होती है तो वृथा मरे, वृथा जी, मरना भी व्यर्थ है और जीना भी व्यर्थ है, और मरा नहीं वहीं की जो जियान आपके लिए, वह व्यक्ति मर करके भी नहीं मरा जो व्यक्ति जियान आपके लिए, अर्थात जो व्यक्ति अपने लिए नहीं जीता, जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीता है वह व्यक्ति करके भी कभी नहीं मरता है। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। पशु प्रवृत्ति वही है जो व्यक्ति केवल अपने आप में ही व्यस्त रहे, केवल अपना ही देखे, अपने बारे में ही सोचे, किसी दूसरे के बारे में, किसी दूसरे व्यक्ति की भलाई पर उपकार नहीं करे ना, तो ऐसा इस तरह की जो प्रवृत्ति है पशु प्रवृत्ति है, जिस तरीके से पशु केवल अपने बारे में ही सोचता है, किसी अन्य से उसको कोई लेना देना नहीं होता, तो अगर इंसान के अंदर इस तरह की प्रवृत्ति है, वो केवल अपने बारे में ही सोचता है, अपने में ही व्यस्त रहता है, दूसरों से उससे कोई मतलब नहीं, तो इस तरह की पशु प्रवृत्ति है जो केवल अपने लिए ही जीता है और अपने लिए ही मरता है, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए जीता है, दूसरों के लिए मरता है, ठीक है। अगली देखिए, अगली पंक्ति, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती, अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, यहाँ पर गुप्त जी कहते हैं कि ऐसे महान व्यक्ति जो लोग दूसरों का परोपकार करते हैं, दूसरों की भलाई करते हैं, ऐसे लोगों की कथा का गुणगान पुस्तकों में होता है। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, ऐसे लोगों की जो प्रशंसा होती है, जो कथा का गुणगान होता है, वो पुस्तकों में होता है, ठीक है। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, और ऐसे ही उदार व्यक्ति की यह पृथ्वी जो है ना, ऐसे उदार व्यक्ति की यह पृथ्वी भी क्या होती है, कृतज्ञ होती है, ऋणी होती है ना, उनके किए गए कार्य को, उनकी कृतज्ञता को धरती भी मानती है, ठीक है। उसी उदार की सदा सजीव कृत कुजती, और ऐसे उदार व्यक्ति की, ऐसे महान व्यक्ति की, जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीते हैं, उनकी कीर्ति जो है वो सजीव यानी जीवित व्यक्ति की तरह कूजती है, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती, तथा उसी और ऐसे ही उदार व्यक्ति को पूरी सृष्टि, पूरा संसार उनकी पूजा करता है। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, अखंड जो एकता का भाव, अखंड आत्मभाव, एकता और अपनेपन का भाव जो पूरे विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए जिए, दूसरों के लिए मरे और दूसरों का परोपकार करे, ठीक है। अगली पंक्ति देखिए, क्षुधार्त रंति देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधीच ने दिया परार्थ अस्त जाल भी, उसी नर क्षितीश ने सुमांस दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया, अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब इस पंक्ति में कहते हैं कि देखिए, कितने ही लोगों ने धर्म के लिए अपना दान कर दिया, क्षुधार्त रंति देव ने दिया करस्त थाल भी, भूख क्षुधार्त मतलब भूख से आतुर, रति देव ने दिया करस्त थाल भी, कर अस्त हाथ में स्थित थाली भी क्या कर दी, दान में दे दी, ठीक है। भूख से आतुर रति देव ने हाथ में स्थित अपने भोजन की थाली भी दान कर दी, तथा दधीच ने दिया परास्त अस्त दाल भी, और महर्षि दधीच ने परार्थ यानी दूसरों की रक्षा के लिए, दूसरों के परोपकार के लिए अपने हड्डियों का जाल भी क्या कर दिया, अपनी हड्डियां भी दान कर दी। उसी नर क्षितीश ने सुमांस दान भी किया, उसी नर देश के राजा शिवी ने अपना कबूतर के बदले अपना मांस दान दे दिया था, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया, और कर्ण ने सहर्ष खुशी के साथ अपने शरीर का जो चर्म था, जो कवच कुंडल था, उसको क्या कर दिया था, दान कर दिया था।
इसलिए अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। यह जो देह है ये अनित्य है, यह हमेशा रहने वाली नहीं है, हमेशा तक नहीं रहने वाली है, थोड़े समय के लिए। इसलिए इस अनित्य देह के लिए हमें नहीं डरना चाहिए और दूसरों का परोपकार करना चाहिए, दूसरों की भलाई करनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य वही है जो दूसरों की भलाई करे, दूसरों का परोपकार करे। अगली पंक्ति में देखिए, सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। इस पंक्ति में बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को एक दूसरे व्यक्ति के साथ सहानुभूति रखनी चाहिए, यही सबसे बड़ी पूंजी है, महाविभूति यानी सबसे बड़ी पूंजी है। वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही, जो व्यक्ति ऐसा करता है उसके वश में स्वयं पृथ्वी भी हो जाती है। ठीक है, विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह मेवा विनीत लोक वर्ग के अन सामने झुका रहा। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह मेवा, करुणावश बुद्ध ने जब उस समय की पारंपरिक मान्यताओं का विरोध किया ना, तो लोग उनसे थोड़े नाराज हुए, लेकिन बाद में लोग क्या हो गए, प्रसन्न हो गए और विनीत लोक वर्ग के अन सामने झुका रहा, और विनम्र लोगों का एक जो समूह था वो उनके सामने झुक गया और नतमस्तक हो गया। जब उस वर्ग ने ये देखा, उनके दया को देखा, उनकी विचारों को समझा, तो वो उनके सामने नतमस्तक हो गया और आज भी लोग उस बुद्ध की पूजा करते हैं। आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। आहा वही उदार है, यहाँ पे कह रहे हैं कि जो किसी के आह का निवारण करे वही व्यक्ति उदार है, और परोपकार जो करे, जो परोपकार करे, जो दूसरों का परोपकार करे, दूसरों के दुख को दूर करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य वही है जो दूसरे मनुष्यों के लिए जिए और दूसरों के लिए मरे। रहो न भूल के कभी मदांद तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करुण गर्व चित्त में, अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं, अतिव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वो कहते हैं कि रहो न भूल के कभी मदांद तुच्छ वित्त में, यहाँ पर गुप्जी कहते हैं कि हमें कभी भी धन के घमंड में हो करके कभी भी अपने धन दौलत पर घमंड नहीं करना चाहिए। रहो न भूल के कभी मदांध, मद में अंधे, घमंड में अंधे, तुच्छ वित्त, धन जैसी तुच्छ चीज़ के घमंड में कभी नहीं रहना चाहिए ना। सनाथ जान आपको करुण गर्व चित्त में, और अपने आप को सनाथ जान करके कि मेरे पास मेरे माता पिता सब कुछ है, मेरा सब कुछ है, ऐसा जान करके कभी अपने मन में घमंड, सनात जान आपको करुण गर्व चित्त में, अपने चित्त में, अपने मन में कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी अनाथ नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति के साथ वो त्रिलोकनाथ भगवान है, ईश्वर है, जिसकी प्रत्येक व्यक्ति की जो देखभाल करता है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं, और उस ईश्वर के दयालु दीन बंधु ईश्वर के लिए कहा गया है, उस दयालु ईश्वर के बहुत बड़े हाथ हैं, ठीक है, बड़े विशाल हाथ हैं। अतिव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, जो व्यक्ति अतिव भाग्यहीन है, जो व्यक्ति अत्यधिक उतावलापन दिखाता है, वो व्यक्ति अत्यधिक क्या है, भाग्यहीन है, ठीक है, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वो मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए जिए और दूसरों के लिए मरे। ठीक है, अगला है देखिए, अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वभाव जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, सभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी, रहो न यों कि एक से न काम और कासरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ पर वो कहते हैं कि जो परोपकारी व्यक्ति हैं उनकी स्वागत के लिए जो देवता हैं वो आकाश में खड़े हैं, अनंत अंतरिक्ष में, या जो अंतरिक्ष है, जो आकाश है, अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है, और इस अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव, असंख्य देव खड़े हैं, असमक्ष ही स्वभाव जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, और उन लोगों के आगे वो अपने विशाल हाथों को फैला रहे हैं जो लोग दूसरों का परोपकार करते हैं। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, इसलिए सभी लोग एक दूसरे का सहारा लग करके उठो और आगे बढ़ो, सभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी, सभी निष्कलंक हो करके उस उन देवताओं की गोद में सभी लोग चढ़ो, रहो नहीं कि एक से न काम और कास क्या सरे, आप इस तरीके से रहो कि किसी का काम न बिगड़े बल्कि सभी का काम हो, सब लोग एक दूसरे का साथ दे करके आगे बढ़ें, सभी का काम हो, सब का विकास हो, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए जिए और दूसरों के लिए मरे। हमें इस तरीके से नहीं रहना चाहिए कि किसी को कोई कष्ट हो, बल्कि एक साथ मिल करके ऐसे रहना चाहिए कि सभी का काम हो, सभी का
जो कार्य है वो पूर्ण हो और सभी आगे बढ़ें। ठीक है, मनुष्य मात्र बंध हुए यहीं बड़ा विवेक है, पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है, फलानुसार कर्म के अवश्य वाय वेद है, परंतु अंतरैक्य में प्रमाण भूत वेद हैं, अनर्थ है कि बंधुहीन बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक, वो यहाँ पर कहते हैं कि मनुष्य मात्र बंधु है, अगर प्रत्येक मनुष्य एक दूसरे मनुष्य को अपना केवल भाई समझे तो यह उसके सबसे बड़ी बुद्धिमानी होगी, यह सबसे बड़ा विवेक होगा। पुराण पुरुष स्वयंभू, स्वयंभू मतलब स्वयं से जो उत्पन्न हुआ है, भू मतलब उत्पन्न होना, पिता प्रसिद्ध, पुराणों में वर्णित वह पुरुष जो स्वयं से उत्पन्न हुआ, पिता प्रसिद्ध एक, वह पिता वह सभी का एक पिता है, वह पिता सभी का एक है। पुराण पुरुष जो पुराणों में वर्णित जो पुरुष है जो स्वयं से पैदा हुआ है, पिता प्रसिद्ध एक है, वह प्रसिद्ध है और वह वही सबका पिता है। फलानुसार कर्म के अवश्य वाह वेद हैं, वो कहते हैं कि फल के अनुसार कर्म के अवश्य ही वाह वेद अलग अलग हैं, परंतु अंतरिक में प्रमाणभूत वेद हैं, परंतु आंतरिक रूप से अगर देखा जाए तो सब एक हैं, इसके प्रमाण हमारे वेद हैं। ठीक है, अनर्थ है कि बंधुहीन बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अनर्थ है अगर एक भाई की व्यथा, एक भाई की पीड़ा नहीं हरे तो सबसे बड़ा अनर्थ है। ठीक है, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए जिए, दूसरों के लिए मरे और दूसरों का परोपकार करे। अगली पंक्ति देखिए, चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता, कभी अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। ये देखिए लास्ट पंक्ति है। ठीक है, चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, लेखक यहाँ पर जो कवि हैं वो कहते हैं कि चलो अभिष्ट मार्ग में, जो आपके मार्ग है आप अपने लक्ष्य के रास्ते पर चलो, सहर्ष खुशी के साथ खेलते हुए चलो, और विपत्ति उस रास्ते पर जो भी विपत्ति विघ्न बाधाएं पड़े उनको ढकेलते हुए आगे बढ़ते जाओ, रुकना नहीं है। घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता, कभी वो कहते हैं कि यह जो हेल मेल है, जो इस तरह का एकता का माहौल है, कभी कम नहीं होना चाहिए और बढ़ना ही चाहिए न, बढ़े न भिन्नता, भिन्नता कभी नहीं होनी चाहिए, कभी अलगाव की प्रवृत्ति नहीं आनी चाहिए, हमेशा एक साथ मिल करके हमें अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ना चाहिए और दूसरे को भी बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, अतर्क मतलब जिस जो तर्कहीन है, जिसका कोई तर्क ही नहीं है, पंथ के यानी अतर्क एक पंथ के, ऐसे रास्ते पे चलो, ऐसे रास्ते पे मत चलो जिस रास्ते की कोई मंजिल नहीं है, जिस रास्ते का कोई तर्क नहीं है। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, सभी लोग मिल करके एक रास्ते पर चलो, सतर्क पंथ हो सभी, उस सतर्क उस रास्ते पर चलो जहाँ पर आप, जिस रास्ते पर चलने से आपका लक्ष्य प्राप्त हो, आपको मिले न। अतर्क एक पंथ के, अतर्क के जो तर्कहीन रास्ता है, उस तर्कहीन रास्ते को छोड़ करके तर्क से भरे रास्ते पर चलो, जिससे सभी लोग का कल्याण हो, सब लोग अपने लक्ष्य में, सबको अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, समर्थ तभी है, तभी आप मनुष्य कल्याण के अधिकारी हैं, तभी भाव समर्थ है न कि तारता हुआ तरे, जो व्यक्ति खुद तरे और दूसरे को भी तारता हुआ, मतलब अपने भी तरे और दूसरे को भी, मतलब दूसरे को तारता हुआ खुद भी तर जाए, यही समर्थ भाव है, यही सबसे बड़ा भाव है, यही मुख्य बात है, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, और मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए जिए, दूसरों के लिए मरे, दूसरों का परोपकार करिए करे, वही मनुष्य है, जो व्यक्ति परोपकार में अपना जीवन लगा दे वही सबसे बड़ा मनुष्य है, जो व्यक्ति अपने साथ दूसरों को भी काफ़ी उद्धार करे वही सबसे बड़ा मनुष्य है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।